टॉप 5 बेस्ट इंडियन फिल्म्स दैट आर अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। ये सारी मूवीज तुम्हें बहुत डिफरेंट और मज़ेदार एक्सपीरियंस देगी, तो इन मूवीज को तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5, महान। தமிழ்நாட்டு சரக்கு சாம்ராஜ்யத்தின் மகாராஜா எங்க அப்பா महान 2022 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म है। अगर तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम फॉर श्योर इस मूवी को एंजॉय करने वाले हो। इस मूवी में जियान विक्रम और उनके बेटे ध्रुव विक्रम की एक्टिंग फिनोमिनल है। महान स्टोरी है एक सिंपल स्कूल टीचर गांधी महान की, जो अपनी रेगुलर लाइफ से बोर हो चुका होता है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे उसकी दुनिया ही बदल जाती है। नंबर 4, उड़ान। हालांकि मैं ये कागजात साइन कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 4 करोड़ चाहिए। तुम पहले हो जो हवाई जहाज के लिए कर्जा ले रहे हो। उड़ान 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें हमें एक आदमी की स्टोरी सुनाई जाती है जो अपनी एयरलाइन सर्विस खोलना चाहता है। आई नो तुम्हें सिर्फ इतना सुन के इस मूवी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट तुम्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये एक मास्टरपीस फिल्म है। और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे? 1000 नहीं, 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। नंबर 3, ट्रैप। ट्रैप 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसमें फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट शौर्य एक रूम में फंस जाता है और उस रूम में जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। नंबर 2, 777 चार्ली। मेरा नाम है धर्मा, अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। 777 चार्ली 2022 में रिलीज हुई एक ड्रामा एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक आदमी धर्मा को मजबूरी में एक कुत्ते का ख्याल रखना पड़ता है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। Every dog has its day. Today is Charlie's. You and Charlie will have a best experience. Charlie! Number 1, Sardar Udham. Koi zinda hai! Sardar Udham 2021 mein release hui ek historical drama film hai, जिसमें हमें इंडियन रेवोल्यूशनरी उधम सिंह 1919 वाले जलियांवाला बाग में हुए इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और इस मूवी में काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग सब परफेक्ट है। इस मूवी के मेन एक्टर विकी कौशल की परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इन माई ओपिनियन। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इस मूवी को इतना परफेक्टली डायरेक्ट किया है, इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये एक बॉलीवुड की फिल्म है। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। Was a revolutionary. तो ये थी आज की टॉप 5 बेस्ट इंडियन फिल्म्स की लिस्ट। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।